जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने मेरा एक वीडियो से उस भाई का इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जितना मैं सोचा था, उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया भाई। देखो यार, एक भाई था श्याम मिलन, मैं आप लोगों को बताया था, जो कि दौड़ने में काफ़ी अच्छा था और उसका सिलेक्शन हुआ था, उसको फ्रांस जाना था और वो एक पुअर फैमिली से था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे, 2.5 लाख रुपये की ज़रूरत थी। तो देखो यार, ऐसा नहीं था कि वो मेरा दोस्त था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था या मेरे गांव का था। देखो मुझसे भी अनजान था और आप लोगों से भी अनजान था, लेकिन मुझसे भी जितना मुझसे मतलब हेल्प होने लायक रहा मैं किया, और मैं एक वीडियो बनाया उससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया भाई। मैं उस वीडियो में पता है क्या बोला था, मैं बोला था कि यार आप लोग मुझसे 77,000 लोग जुड़े हो, आप लोग अगर अभी तो 78,000 के आसपास में हो गए, 78,000 हो गए हो, जैसे मैं बस इतना ही बोला था कि भाई आप लोग अगर 5-5 रुपया दोगे तो 3,85,000 रुपया हो जाएगा उस भाई का, और उस भाई को इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ये भी उस वीडियो में बोला था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप भी मेरे जैसा हो, स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, अगर 5 रुपया भी नहीं है ना तो वीडियो शेयर कर सकते हो, अगर वीडियो शेयर करोगे तो जिस भाई के पास पैसा रहेगा वो भाई पैसा पे करेगा। तो देखो 5 रुपया के जगह पता है कितना कितना रुपया पे किया है सब, कोई कोई भाई यार 100-100 रुपया भेज दिया है, कोई भाई 50 रुपया भेजा है, कुछ भाई तो मतलब हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि भाई देखो मैं इतना पैसा भेजा हूँ। तो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद यार। और देखो यार, एक भाई है हमारे गाँव से है, सुनील निषाद, तो पता है वो तैयारी नहीं करता है, वो बाहर रहता है, ठीक है ना, लेकिन वो मतलब ग्राउंड पर जाता भी नहीं है, अपना स्टडी भी नहीं करता है, लेकिन यार वो भाई हमारा वीडियो देखता है। ऐसे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो यार वो लोग भी सपोर्ट किए हैं, उन भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद यार। और देखो कुछ भाइयों का निगेटिव कमेंट भी आया है, तो उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को बोला था ना कि कोई मीडिया वाला मतलब मदद करने पहले नहीं आएगा और ना ही कोई पैसे वाला मदद करने आएगा, लेकिन जब उस भाई का मदद होने लगेगा ना तो कुछ लोगों के अंदर बेचैनी छा जाएगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ कमेंट दिखा रहा हूँ, ये देखो राम बिलन, ये जो जिस भाई का हम लोगों ने सपोर्ट किया था ना, तो अभी कुछ भाई ऐसा भी बोल रहे थे उस वीडियो में कि भाई आप तो अकाउंट नंबर दिए ही नहीं हो, आप तो उस भाई का फ़ोन पे नंबर दिए ही नहीं हो, तो फिर मैं कैसे सपोर्ट करूँ। तो मैं उस वीडियो में सब कुछ दिया था भाई, और इसमें भी दे रहा हूँ, देखो ये भाई का अकाउंट नंबर है और फ़ोन पे नंबर है, और आप लोग खुद फ़ोन करके पूछ लेना सारी बातें, ठीक है ना। और देखो ये भाई, ये जो है ना श्याम मिलन का भाई है, जो कि फ्रांस जो जा रहा है उसका भाई है, ये मतलब कमेंट किया है अभी हमारे व्हाट्सएप पर, आप लोग देख सकते हो, ये कमेंट किया है, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका सहयोग बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद भाई, मैं राम बिलन बिंद, श्याम मिलन का बड़ा भाई। देखो यार भाई, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं ना, इन सभी भाइयों की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, इन सभी भाइयों की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे सभी भाइयों को धन्यवाद बोलिएगा। और देखो यार, एक दो लोगों का ऐसा कमेंट आया था, मैं अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पता है ये लोग पता है क्या बोले थे, ये लोग ऐसा बोले थे ना कि खेत बेच दे। मतलब यार मैं क्या बताऊं, पहले तो तुम मदद कर नहीं सकते हो किसी का, तुम जैसे लोग, ये जो कमेंट किया है कि मतलब पैसे की ज़रूरत है तो खेत बेच दे, पहला नंबर तो तुम मदद कर नहीं सकते हो 1 भी रुपया का, और दूसरा नंबर अगर हम लोग आवाज़ उठाते भी हैं, मतलब हमारे जैसे पुअर फैमिली से लोग जो मतलब 1,000, 2,000, 100 रुपया, 200 नहीं दे पाएंगे, 5 रुपया 10 रुपया देकर उस भाई का मदद कर रहे हैं, तो तुम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हो कि खेत बेच दो, खेत नहीं बेचेगा तो नहीं हो पाएगा, खेत बेचेगा तभी जाएगा फ्रांस। अरे हम लोग जिंदा है ना, कोई भी भाई ऐसे आगे बढ़ेगा ना तो बिना खेत बेचे हुए उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जितना होने लायक रहेगा उतना करेंगे। तो तुम अपना भाषण अपने पास रखो। और देखो एक भाई कमेंट किया था कि चादर उतना ही ओढ़ना चाहिए जितना हो सके, तो यार मैं उन लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वैसे मतलब 5-6 लोग ऐसा कमेंट किए थे, आप लोग देख लेना इस वीडियो के मतलब नीचे जाकर देख लेना, वो जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें देख लेना, और उसमें उन लोगों का खुद जवाब देना, और इस वीडियो में भी स्पेशल उन लोगों के लिए 2 शब्द लिखना यार। अब मैं अकेले क्या क्या बोलूँ भाई, आप लोग मेरे एक फैमिली के जैसे हो,
आप लोगों का भी हक बनता है, ठीक है ना, उन लोगों के बारे में बोलने के लिए। तो दो शब्द बोलना ज़रूर, क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना जो दूसरों का मदद तो करना चाहते नहीं हैं, और कोई मदद करता है ना तो अंदर से जलन होती है, पता नहीं कौन सा कीड़ा रहता है इन लोगों के अंदर, इतना ज़्यादा जलन होती है ना। हमारे भारत में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं, इन लोगों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले जो भाई बोल रहे थे कि यार मुझे अभी भी उस भाई का अकाउंट नंबर नहीं मिला है, गूगल पे नंबर नहीं मिला है, नहीं तो मेरे पास 5 रुपया या 10 रुपया जितना भी पैसा होता मैं उस भाई को भेज देता। देखो यार, ये रहा उस भाई का गूगल पे नंबर और ये रहा उस भाई का अकाउंट नंबर, आपको जितना भी हेल्प करना रहेगा ना उतना आप हेल्प करना यार। अगर नहीं हेल्प कर सकते हो ना तो वीडियो तो शेयर कर ही सकते हो, आपके एक शेयर से ना हो सकता है उस भाई के पास पहुंच जाए जिस भाई के पास 5 रुपया या 10 रुपया हो, जो गूगल पे चलाता हो, जिसका अकाउंट हो। बहुत सारे भाइयों के पास तो अकाउंट भी नहीं है ना, तो इसलिए यार आप वीडियो शेयर करना। बाकी उस भाई के जगह अगर आप होते ना तो मैं आपके लिए भी इतना ही करता। और देखो, इन लोगों के बारे में थोड़ा आप लोग खुद इसको जवाब देना इन लोगों को, अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों के बारे में। ये लिखा है विशाल गुप्ता कि तुम सबका ठीका लिए हो, और ये लिखा है मुकंदर टाइगर हिल एकेडमी उसके पास खेत होगा बेच दे, और ये लिखा है अर्पित कि चादर उतनी ही ओढ़नी चाहिए जितनी की पहरे। तो ये हमारे देश के निगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। पहला नंबर तो किसी का मदद करेंगे नहीं, किसी का हेल्प करेंगे नहीं, और अगर कोई किसी का हेल्प करेगा भी ना तो उसमें उंगली डालेंगे। इन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा रहता है, उस कीड़े का नाम आप लोग लिखना, ठीक है ना। मुझे तो हंसी आती है यार ऐसे लोगों पर जो अपने तो पहले खुद कुछ नहीं करेंगे, और मतलब किसी के बारे में कोई भी यार भला नहीं सोचना चाहता है।